नमस्कार, मैं वसंत रावल, ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर हमारी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने आया हूँ कर्क लग्न के राजयोग। ये राजयोग आते कहां से हैं? पिछले जन्मों के अंदर हमने बहुत अच्छे कर्म किए हो तो हमारे पैदा होते ही हमारी कुंडली के अंदर कुछ खास प्रकार के राजयोग डाल दिए जाते हैं और ये राजयोग हमें भिन्न भिन्न प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। कुछ राजयोग हमें अच्छी तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं तो कुछ राजयोग हमें अच्छे संस्कार प्रदान करते हैं, कुछ राजयोग हमें अच्छी पत्नी का सुख देते हैं तो कुछ राजयोग हमें अच्छे बच्चों का सुख देते हैं, कुछ राजयोग हमें समाज में मान सम्मान यश जस कीर्ति प्रदान करते हैं तो कुछ राजयोग हमें धर्म क्षेत्र के अंदर ज्ञान प्रदान करते हैं, कुछ राजयोग हमें विदेश यात्रा करवाते हैं तो कुछ राजयोग हमें अच्छे कलाकार बनाते हैं, कुछ राजयोग हमें अच्छे स्पोर्ट्समैन बनाते हैं तो कुछ राजयोग हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग राजयोग अलग अलग फल देते हैं। तो आइए देखते हैं कर्क लग्न के अंदर राजयोगों का फल। अगर आपकी कुंडली में, आपके घर वालों की कुंडली में या किसी की भी कुंडली में अगर यहां पे चार नंबर लिखा है तो समझ जाना कि कर्क लग्न की कुंडली है। अगर कर्क लग्न के अंदर गुरु हो तो उच्च का गुरु हो जाता है और यहां पर गुरु दिशाबली भी हो जाता है। तो यहां पर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है जो इंसान को बहुत ही धार्मिक विद्वान ज्ञानी बनाता है। पूजा पाठ होम हवन में श्रद्धा रखने वाला, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला और बहुत ही तेजस्वी बनाता है और सर्वसुख संपन्न होता है, समाज में मान सम्मान कीर्ति प्राप्त करता है। चौथे स्थान के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और यहाँ पे भी शुक्र दिशा बली हो जाता है तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा फल देगा मालव्य योग। माता का सुख अच्छा, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख अच्छा देगा और समाज के अंदर यश जस कीर्ति प्रदान करेगा और एक अच्छा कलाकार बन सकता है। चौथे स्थान के अंदर शनि उच्च का हो जाता है तो यहाँ पे शशियोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है जो इंसान को अच्छी पत्नी का सुख प्रदान करता है और उन लोगों को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है और ऐसे लोग बड़ा मकान बनाते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान यश जस कीर्ति प्रदान करते हैं और गुण विद्याओं में भी रसिक देखे गए हैं। सातवें स्थान के अंदर शनि स्वग्रही होकर बैठा हो तो यहां पे भी दिशा बली हो जाता है शनि, तो ये शशि योग यहां पे बहुत अच्छा फल देगा, अच्छी पत्नी का सुख देगा, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, सर्वसुख संपन्न देगा। इंसान बहुत मेहनती होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है लेकिन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सप्तम भाव के अंदर मंगल उच्च राशि का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है जो अच्छे बच्चों का सुख प्रदान करता है, पत्नी का सुख अच्छा प्रदान करता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है और ऐसे लोग शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं और ऐसे लोग लड़ाकू किस्म के होते हैं, फौजी पुलिस खाते के अंदर भी होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, हर संकटों का सामना करते हैं। दशम भाव के अंदर मंगल दिशा बली हो जाता है और यहां पे स्वग्रही मंगल रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। ऐसे लोगों को बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलता है, एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, नीति से व्यापार करते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों को कुल वर्धन योग भी कहा गया है, कुल दीपक योग भी कहा गया है और कुल की उन्नति करते हैं। उसके बाद एक स्टेप अंदर जाते हैं, लग्नाधिपति चंद्र और पंचमाधिपति मंगल की युति अगर केंद्र में या त्रिकोण में हो तो अपनी बुद्धि से सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं और उनको बच्चों का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। लग्नाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति गुरु की युति अगर केंद्र में या त्रिकोण में हो तो गजकेसरी योग बनता है और ऐसे लोगों को पत्नी का सुख, बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलता है, समाज में मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं। पंचमाधिपति मंगल और भाग्याधिपति गुरु की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो उसे औदार योग कहते हैं। ऐसे लोग दिल के बड़े उदार होते हैं, लोगों की बहुत मदद करने वाले होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। लग्नाधिपति चंद्र, पंचमाधिपति मंगल और भाग्याधिपति गुरु की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना गया है। फिर से एक बार बोलता हूं, लग्नाधिपति चंद्र,
पंचमाधिपति मंगल और भाग्याधिपति गुरु, ये तीनों ग्रह कुंडली के तीनों तीन शुभ ग्रह अगर एक साथ केंद्र में या फिर त्रिकोण में हो तो सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना गया है। ऐसे लोग गरीब घर में पैदा हो तो भी एक दिन करोड़ों पति बनते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। एक स्टेप और अंदर जाते हैं, सुखाधिपति शुक्र और पंचमाधिपति मंगल, इन दोनों की युति अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो अपनी बुद्धि से सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं, अच्छे मकान और वाहन का सुख प्राप्त करते हैं। धनाधिपति रवि और सुखाधिपति शुक्र की युति अगर पंचम भाव में हो तो ऐसे लोग समाज के अंदर मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं, धनवान होते हैं, यशवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं। धनाधिपति सूर्य और पराक्रम स्थान का मालिक बुध, इन दोनों की युति अगर तीसरे स्थान में, छठवें स्थान में या फिर बारहवें स्थान में हो तो ऐसे लोग शून्य में से सर्जन करते हैं, गरीब घर में भी पैदा होते हैं तो भी ये लोग अपनी मेहनत से एक दिन जीरो में से हीरो बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, पंचमाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति शनि की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ होता है। और यह भी देखा गया है कि पंचमाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति शनि की युति अगर धन भाव में या फिर लाभ स्थान में हो तो बहुत धनवान होते हैं। एक स्टेप और अंदर जाते हैं, धनाधिपति सूर्य, सुखाधिपति शुक्र और पंचमाधिपति मंगल की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसे लोगों को लॉटरी लगने का योग बनता है, शेयर मार्केट से बहुत फायदा होता है, रेस कोर्स से फायदा होता है। उसके बाद धनाधिपति सूर्य, सुखाधिपति शुक्र और अष्टमाधिपति शनि की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो इन लोगों को पैतृक संपत्ति मिलती है, वारसा मिलता है, बाप दादा की जमीन मिलती है। लग्नाधिपति चंद्र, धनाधिपति सूर्य अगर ये दोनों लाभ स्थान में साथ में बैठे हो तो कम मेहनत से बहुत धन कमाते हैं। उसके बाद धनाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति गुरु की युति अगर केंद्र में या त्रिकोण में हो तो विपुल धन की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद बारहवें स्थान के अंदर अगर बुध स्वग्रही होकर बैठा हो तो ऐसे लोग विदेश के अंदर बहुत धन कमाते हैं। और यह भी देखा गया है कि विदेश स्थान का मालिक अगर लग्न में बैठा हो तो भी विदेश स्थान से विदेश में जाकर बहुत धन की प्राप्ति करते हैं। एक स्टेप और अंदर जाते हैं, लग्नाधिपति चंद्र, पंचमाधिपति मंगल और भाग्याधिपति गुरु, ये तीन ग्रह अगर आपस में युति करते हो, प्रतियुति करते हो, दृष्टि योग करते हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। उसके बाद और एक स्टेप अंदर जाते हैं, केंद्राधिपति और त्रिकोण का मालिक अगर आपस में परिवर्तन योग करे तो उसे महापरिवर्तन योग कहते हैं, जो राजयोग से भी अच्छा फल देता है। उसके बाद तीसरे स्थान का मालिक बुध, केंद्राधिपति और त्रिकोण के मालिक के साथ अगर परिवर्तन योग करता हो तो उसे कहल परिवर्तन योग कहते हैं, जो उसे थोड़ा सा कम अच्छा फल देता है। उसके बाद छठवें, आठवें और बारहवें स्थान के मालिक केंद्र या त्रिकोण के साथ, त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर परिवर्तन योग करते हो तो उसे दैन्य परिवर्तन योग कहते हैं। उसके बाद और एक स्टेप अंदर जाते हैं, छठवें स्थान का मालिक गुरु 6, 8, 12 में हो तो उसे हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। आठवें स्थान का मालिक शनि 6, 8, 12 में हो तो उसे सरला विपरीत राजयोग कहते हैं। बारहवें स्थान का मालिक 6, 8, 12 में हो तो उसे विमल विपरीत राजयोग कहते हैं। इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया कि कर्क लग्न के अंदर कितने प्रकार के राजयोग बनते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा, जब राजयोग के ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा या सूक्ष्म दशा आएगी तब ये सारी बातों का फल मिलता है। नमस्कार।